subscribe to our channel and click the bell icon and let us know in the comment which recipe you want. Today recipe is soya manchurian by chef Anjana Gupta. In the meantime, please take your time to subscribe. Enjoy the video. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड अंजना गुप्ता। अंजना के किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर एक नई चाइनीज़ रेसिपी लेके आई हूं, जो कि बहुत ही डिलीशियस होती है और बहुत ही हेल्दी होती है। मैं आज सोया चंक्स की मंचूरियन बना रही हूं। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल जो है वो सोया चंक्स लिया है, जो बहुत से लोग इसको सोया बड़ी भी बोलते हैं। तो फ्रेंड, ये मैंने सोया चंक्स एक बाउल लिए हुए हैं। और फ्रेंड्स, मैंने गैस पे एक पतीले को चढ़ा दी, इस पे मैंने सोया चंक्स डाल दिए। अब सोया चंक्स को बहुत अच्छे से मैंने बॉयल कर लिया है। और फ्रेंड, अब मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है। स्ट्रेन देखिए, इस तरह मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है। अब इसका सारा पानी जो है मैं अच्छे से निकाल दूँगी। ये फ्रेंड, इस तरह मैं सारा पानी जो है सोया चंक्स से निकाल ले रही हूँ। और निकले हुए सोया चंक्स के पानी से मैं इसको एक बड़े बाउल में डालती जा रही है। देखिए, मैं इसको पानी निकाल के मैं एक बड़े बाउल में इसको डालती जा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, सोया चंक्स जो है हमेशा बहुत अच्छे से उबालना चाहिए। इसको जितना अच्छे से आप बॉईल करेंगे, उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आएगा, प्लस उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे फ्रेंड। ये फ्रेंड, अब मैं इसमें 3 टीस्पून के नियर अबाउट जो है वो मैदा डाल रही हूँ, और 2 टीस्पून के नियर अबाउट मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। फ्रेंड, इसमें मैंने 2 टीस्पून के नियर अबाउट कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है। फ्रेंड, ये मैंने 1/2 टीस्पून के नियर अबाउट जो है वो सॉल्ट डाला हुआ है। 1 टीस्पून के नियर अबाउट मैंने रेड चिली सॉस डाला हुआ है। फ्रेंड, 1 टीस्पून के नियर अबाउट मैंने टोमेटो सॉस डाला हुआ है, और 1/2 टीस्पून के नियर अबाउट जो है मैंने सोया सॉस इसमें डाला हुआ है। अब फ्रेंड, मैं इसको अच्छे से मिला दूंगी। ये देखिए फ्रेंड, इसको बहुत अच्छे से कोट करना है। ये देखिए, जितने अच्छे से फ्रेंड ये कोट रहेगा, उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। फ्रेंड, ये देखिए, इसको मैं अच्छे से कोट कर दे रही हूँ। इसको बराबर अच्छे से मिलाना है, और मिलाते हुए सब सारे चंक्स को अच्छे से कोट करना है। फ्रेंड, चूँकि मैंने सॉस डाला हुआ है और सोया चंक्स बॉयल हैं, इसलिए इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए फ्रेंड, अच्छे से ये कोट हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड, ये फ्रेंड कितने अच्छे से ये कोट हो जाता है। फ्रेंड, अब ये सोया चंक्स जो अच्छे से कोट हो गए हैं। अब मैं गैस पे एक कढ़ाई को रख दिया है, और कढ़ाई में मैंने ऑयल को हीट करने के लिए यानी गर्म करने के लिए रख दिया है। फ्रेंड, अब जब ये ऑयल अच्छे से हो जाएगा, तब मैं सारी जो सोया चंक्स है यानी सोया बड़ी हैं, उसको मैं डीप फ्राई कर लूँगी। अब फ्रेंड, ये जो ऑयल है अच्छे से हो गया है, अब मैं इसको जो है अच्छे से फ्राई करूँगी। ये फ्रेंड, ये देखिए, मैं एक एक करके इसमें कढ़ाई में इसको डालती जा रही हूँ। और फ्रेंड, इसको खूब अच्छा गोल्डन ब्राउन आने तक इसको फ्राई करना है। फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड, मैंने सारी सोया बड़ियाँ जो है इसमें डाल दी हैं, और इसको इस मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं फ्राई करते हैं। फ्रेंड, मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से फ्राई करते हैं, और बराबर इसको चलाते रहते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड, इसमें कितना अच्छा कलर आने लगा है। फ्रेंड, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको जो है फ्राई करते हैं, दोनों तरफ से पलट पलट कर।
फ्रेंड्स अब ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसको जो है सारी सोया चंक्स को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी फ्रेंड। ये देखिए इस तरह मैं सारे सोया चंक्स को जो है प्लेट में निकाल ले रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड इसका कितना अच्छा कलर आया है। ये फ्रेंड आप ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसको ऐसे खा लें, नहीं तो इसको मैं सॉसेस के साथ मंचूरियन के उसमें बना रही हूँ तो आप मंचूरियन भी बना सकते हैं। ये फ्रेंड मैंने इसी कढ़ाई को मैंने ऑयल निकाल लिया है और मैंने 2 टीस्पून के नियर अबाउट जो है इसमें ऑयल छोड़ दिया है। अब फ्रेंड ये ऑयल हो गया, अब मैं इसमें जो है 8 से 10 जवा जो है मैंने लहसुन छीले हुए थे वो मैंने इसमें बारीक काट के डाल दिए। ये मैंने 2½ इंच अदरक का टुकड़ा मैंने महीन महीन काट के डाल दिया है और 2 हरी मिर्च यानी ग्रीन चिली मैंने इसमें डाली है। अब फ्रेंड मैं इसको 2 मिनट के लिए स्टर फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड चाइनीज़ डिश में एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, इसको हमेशा हाई फ्लेम पर पकाते हैं, इसको कभी भी स्लो या मीडियम फ्लेम पर नहीं पकाते हैं। ये फ्रेंड देखिए हल्का सा ये फ्राई हो गया है। अब फ्रेंड मैं इसमें जो है ओनियन डाल दूंगी। ये मैंने एक मीडियम साइज़ का ओनियन लिया हुआ है और ये मैं डाल रही हूँ। और फ्रेंड मैंने एक जो है मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली हुई है वो भी मैं इसमें डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड मैंने प्याज इसको फ्राई कर रही हूँ। अब फ्रेंड ये मैंने एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली थी यानी कैप्सिकम लिया हुआ था, इसको मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया और इसको अब मैं फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड फ्रेंड इसको भी 2 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करते हैं। फ्रेंड फ्रेंड्स ये देखिए सब्जियां जो है कितनी अच्छे से फ्राई हो रही हैं। फ्रेंड इस तरह इसको बराबर चलाते हुए फ्राई करते हैं। फ्रेंड अब ये देखिए फ्राई हो गया है। फ्रेंड अब मैं इसमें 2 टीस्पून के नियर अबाउट जो है मैं टोमेटो सॉस डाल रही हूँ। फ्रेंड 1 टीस्पून के नियर अबाउट मैं इसमें रेड चिली सॉस ऐड अप कर रही हूँ। फ्रेंड चिली सॉस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी घटा बढ़ा सकते हैं। ये मैं 1 टीस्पून के नियर अबाउट मैं इसमें सोया सॉस ऐड अप कर रही हूँ। फ्रेंड अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। फ्रेंड ये देखिए फ्रेंड अब देखिए अच्छे से हो गया। अब फ्रेंड मैं इसमें 1/2 ग्लास के नियर अबाउट में जो इसमें पानी डाल रही हूँ और जब पानी भी अच्छे से बॉयल होने लगता है तब मैं इसमें जो है कॉर्नफ्लोर की मैं स्लरी मिलाऊंगी। फ्रेंड स्लरी बनाने के लिए 2 टीस्पून ये देखिए फ्रेंड मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है 1/2 टीस्पून के नियर अबाउट। फ्रेंड ये देखिए पानी जो है अच्छे से बॉयल होने लगा है। फ्रेंड स्लरी बनाने के लिए मैंने 2 टीस्पून जो है कॉर्नफ्लोर पाउडर लिया हुआ है और 2 टीस्पून नियर अबाउट मैंने पानी लिया हुआ है और उसको मैंने अच्छा सा घोल बना लिया। ये फ्रेंड मैंने 1/2 टीस्पून के नियर अबाउट कश्मीरी लाल मिर्च डाली हुई है जिससे इसका कलर जो है बहुत ही अच्छा आता है। फ्रेंड ये देखिए फ्रेंड अब ये देखिए फ्रेंड मैंने इसकी स्लरी बना रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड इस स्लरी को बनाने के लिए यानी ये कॉर्नफ्लोर का और पानी का घोल जो है खूब अच्छे से मिला लेते हैं ताकि इसमें कहीं भी लम्ब्स ना रहे। ये देखिए फ्रेंड अच्छे से इसको मिला लेते हैं। अब फ्रेंड इसको इकट्ठे नहीं डालते हैं, 1/1 टीस्पून करके ही इसको बराबर से डालते हैं चलाते रहते हैं। अगर आप चलाएंगे नहीं तो ये नीचे से जम जाएगी या नीचे लम्ब्स जमने लगते हैं, तो फ्रेंड इसको डालते हुए चलाते रहना है। ये देखिए फ्रेंड इस तरह इसको बराबर चलाते रहें। ये देखिए फ्रेंड स्लरी डालने से इसका जो है तुरंत ही ये जो सॉसेस होती है वो गाढ़ी होने लगती है और इसका कलर में साइन आ जाता है। ये देखिए अब मैं इसके सारे सोया चंक्स जो मैंने डीप फ्राई किए हुए थे अब वो मैं इसमें एडअप कर दे रही हूँ। अब फ्रेंड इसको जो है मैं बराबर चलाते हुए 2 या 3 मिनट तक इसको पकाऊंगी फ्रेंड ताकि सॉसेस जो है वो इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। फ्रेंड
फ्रेंड ये देखिए कितना अच्छा जो मंचूरियन बन के तैयार हो रहा है फ्रेंड ये देखिए। फ्रेंड यकीन मानिए इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है फ्रेंड। फ्रेंड अभी मेरा सोरा मंचूरियन बन के तैयार हो गया है, अब मैं इसको जो है निकाल ले रही हूँ फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड मैं इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ, ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड इसका कलर कितना खूबसूरत आया है, बिल्कुल मार्केट जैसा है फ्रेंड इसका कलर आया है, ये देखिए फ्रेंड। फ्रेंड अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, मेरा ये चैनल पसंद आता है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। थैंक यू सो मच।